यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 शेयर्स जिसमें आपको हर गिरावट पे बाय करना चाहिए, हर गिरावट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों ये काफी बेहतरीन स्टॉक है और इन सारे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखनी चाहिए। उसमें सबसे पहला जो स्टॉक है ये है डिव्यूज लेबोरेटरी, काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। अगर मार्केट कैप की बात करें 1,38,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 0.38% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी बेहतरीन 32, रिटर्न इक्विटी भी काफी बेहतरीन है 23.9 और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 52% का है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी बिल्कुल जीरो है, मतलब कंपनी एक तरह से वर्चुअली डेट फ्री है। और इस ब्लू चिप कंपनी के ऊपर डेट देखिए मात्र 5 करोड़ के आसपास का है और वहीं रिजर्व कंपनी के पास 9,242 करोड़ का है और कंपनी का जो नेट एनुअल प्रॉफिट है 2,049 करोड़ का है। तो कंपनी काफी बेहतरीन है और ये कंपनी करती क्या है, एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है और कंपनी जो है वर्ल्ड वाइड 95 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। तो काफी बेहतरीन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके ये स्टॉक्स आपको देगा। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल चार्ट का, तो इसका चार्ट काफी सॉलिड है और स्टॉक कभी भी 4,800 के आसपास आता है गिरावट में, करेक्शन में, तो आप बाय कर सकते हैं। ओवरऑल कंपनी का जो चार्ट है शेयर प्राइस का, वो काफी बुलिश रहा है, तो ऐसे स्टॉक जब भी गिरावट मिले जरूर इन्वेस्ट कीजिए। देखिए जब फार्मा सेक्टर पूरी तरह से अंडर परफॉर्म था 2018-2017, उस समय भी ये स्टॉक परफॉर्म किया था, मात्र 2017 में गिरावट हुआ, 17 में गिरावट के बाद ये स्टॉक लगातार परफॉर्म करते रहा। तो ये स्टॉक हर गिरावट में बाई है, हर डिप में बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके ये स्टॉक्स देगा। दूसरा स्टॉक है आरती इंडस्ट्री, करंट जो मार्केट कैप है 33,000 करोड़ का, ये भी कंपनी काफी बेहतरीन है और वेल एस्टेब्लिश है अपने बिजनेस में। अगर बात करें कंपनी का बिजनेस का, लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल का, फार्मास्यूटिकल का, इससे फार्मास्यूटिकल बिजनेस अलग होगा, तो कंपनी मुख्य रूप से स्पेशलिटी केमिकल्स का होगा, लेकिन कंपनी काफी बेहतरीन है, आप इस स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। डिविडेंड की बात करें 0.08% का डिविडेंड यील्ड है और यहाँ पर बात करें कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग का, प्रमोटर्स होल्डिंग काफी जबरदस्त है 44.9%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है और डेट इक्विटी काफी कम है, मतलब देखिए डेट काफी मायने रखता है और प्रमोटर्स होल्डिंग प्लेज परसेंटेज, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। डेट की बात करें तो यहाँ पर 2,492 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है 3,416 करोड़ का और कंपनी का जो नेट एनुअल प्रॉफिट है 606 करोड़ का, तो सारे पैरामीटर्स पे कंपनी काफी जबरदस्त है, तो आप इस स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं। अगर बात करें कंपनी के टेक्निकल चार्ट का, तो स्टॉक जो है काफी चार्ट पे बुलिश है और ये पैटर्न भी काफी बुलिश है, देखिए हमेशा हाईर हाई बना रहा है, यहाँ पर कंपनी एक नया लो बनाया तो लो भी एक हमेशा हाईर लो बना रहा है, तो हाईर हाई बनाया हो हाईर लो बनाया हो तो कंपनी को हम बुलिश पैटर्न मानते हैं। तो आप देखिए पैटर्न काफी बुलिश है और जब भी ये स्टॉक यहाँ पर आपको मिलता है कभी भी 850 के आसपास, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काफी जबरदस्त स्टॉक है। अगला जो स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, मार्केट कैप की बात है 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.49% का डिविडेंड यील्ड है और बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का 55.2% का प्रमोटर्स होल्डिंग है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है और डेट इक्विटी की बात करें तो डेट इक्विटी जीरो है, मतलब कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, एक पैसे का भी डेट कंपनी के ऊपर नहीं है। और बात करें रिजर्व का 1,182 करोड़ का नेट रिजर्व है कंपनी पास और नेट प्रॉफिट की बात करें 394 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का, तो नेट एनुअल प्रॉफिट भी काफी जबरदस्त है, मतलब कंपनी हर पैरामीटर्स पे काफी जबरदस्त है। और अगर हम बात करें कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर, कंपनी का चार्ट पैटर्न काफी सॉलिड है और यहाँ पर देखिए इस कंपनी जो है चार्ट पैटर्न काफी बुलिश है और यहाँ बुलिश चार्ट पैटर्न में कभी भी स्टॉक्स अगर आपको 3,800 के आसपास अगर किसी गिरावट में आ जाता है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस इन्वेस्ट आपको SIP मोड में करना है क्योंकि ये सारे स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन है, लेकिन आपको ये जो रिटर्न देगा धीरे धीरे देगा, मतलब स्लो एंड स्टडी,
स्लो एंड स्टडी हमेशा ग्रो करेगा ये स्टॉक, तो बस धीरे धीरे आपको इस स्टॉक में हर गिरावट में बाय करते रहना है और लॉन्ग टर्म में हमेशा ये स्टॉक काफी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके आपको देगा। अगला स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। अगर मार्केट कैप की बात करें 2,55,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये स्टॉक भी काफी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के लिए। डिविडेंड की बात है जीरो है, कंपनी पूरी तरह से ग्रोथ पे ध्यान दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात है 0.03 का डेट टू इक्विटी है, तो कंपनी जो है लगभग वर्चुअली डेट फ्री है। मात्र 393 करोड़ का डेट है जबकि रिजर्व कंपनी के पास 11,000 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 1,155 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है। कंपनी हर पैरामीटर्स पे ये भी काफी जबरदस्त है। वही कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी का चार्ट पैटर्न काफी सॉलिड है और चार्ट तो आप कोई भी देख करके भी बता सकता है, ये चार्ट काफी सॉलिड है। हमेशा कंपनी का जो शेयर प्राइस का चार्ट है वो हाइयर लो और हाइयर हाई बनाया है, तो कभी भी किसी भी गिरावट में आप इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक तो काफी फंडामेंटल स्टॉक है। साथ ही साथ ये स्टॉक भी एक ब्लू चिप स्टॉक की कैटेगरी में है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करते रहिए हर गिरावट में, निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके ये स्टॉक आपको देगा। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। मार्केट कैप की बात करें 4,54,000 करोड़ का मार्केट कैप है और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.13% का डिविडेंड यील्ड है और प्रमोटर होल्डिंग 56% का है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और बात करें डेट टू इक्विटी का तो 3.57 का डेट टू इक्विटी है। अब देखिए ये कंपनी का डेट टू इक्विटी जो है काफी हाई 3.57 का, लेकिन हम फाइनेंस सेक्टर का डेट टू इक्विटी नहीं देखते हैं, कंपनी का इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, क्योंकि कंपनी जो है इंटरेस्ट मार्जिन कितना अर्न करती है उसी से कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी। साथ साथ कंपनी का नेट एसेट कितना है, कंपनी का पास जो नेट एसेट होना चाहिए, साथ ही साथ कंपनी कैश फ्लो नेट कैश फ्लो जनरेट कर रहा हो, ये सारे पैरामीटर्स आपको इसमें देखने होंगे। साथ साथ रिजर्व की बात करें अच्छा खासा है, 36,000 करोड़ का रिजर्व है, तो कंपनी इस पैरामीटर्स पे तो काफी बेहतरीन है। और अगर हम बात करें कंपनी के चार्ट का तो इस कंपनी का चार्ट भी काफी बेहतरीन है। सिर्फ दिक्कत यही है कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के जो स्टॉक होंगे उसमें किसी भी पैंडेमिक में गिरावट काफी ज्यादा देखने मिलेगा। देखिए स्टॉक काफी जबरदस्त पैटर्न बनाया है, लेकिन जब किसी पैंडेमिक के कारण गिरावट हो तो ये स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट देखने आपको मिलेगा। अभी की यहाँ पर हम चलते हैं 2020 के गिरावट में, तो 2020 के गिरावट में आपको जबरदस्त गिरावट इस स्टॉक में देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पर 5,000 के आसपास का ये स्टॉक का प्राइस था, वहां से गिर करके ये स्टॉक आ गया मात्र 1800 के आसपास ये स्टॉक आ गया, तो काफी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने मिला। तो कोई भी पैंडेमिक हो उसमें बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक में आपको काफी जबरदस्त गिरावट देखने मिलेगा, इसलिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के जो स्टॉक होते हैं उसमें हर गिरावट में आप उसको बाय कर सकते हैं। जो बड़ी पैंडेमिक वाली गिरावट होती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होता है कि फाइनेंस सेक्टर के अच्छे स्टॉक को ग्रैब करने का। अगला स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। अगर मार्केट कैप की बात है 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है और डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.74% का डिविडेंड यील्ड है, प्रमोटर्स होल्डिंग जीरो है, कंपनी एक पब्लिकली लिमिटेड कंपनी है, पूरी तरह से इसका जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के हाथ में है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी की बात करें काफी कम है 0.02, मतलब कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, मात्र 11.7 करोड़ का डेट है जबकि कंपनी के पास रिजर्व 491 करोड़ का है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 234 करोड़ का, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफी जबरदस्त है। तो इस तरह से कंपनी जो है काफी मतलब बेहतरीन कंपनी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी काफी जबरदस्त है। अगर बात करें चार्ट पैटर्न का तो चार्ट पैटर्न कंपनी का काफी सॉलिड है, यहाँ पर जबरदस्त इसमें रैली देखने मिला क्योंकि हम जो वॉल्यूम है कंपनी का जो बिजनेस है वो कंपनी क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेल कर सकती है। कंपनी का जो बिजनेस है वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है, तो इलेक्ट्रिसिटी सेल करने का काम करती है जिसमें वॉल्यूम में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने मिला। रिकॉर्ड वॉल्यूम के कारण शेयर प्राइस भी रिकॉर्ड हाई पे है और इस कंपनी के शेयर प्राइस को आप जब भी गिरावट मिले तो आप बाय कर सकते हैं, काफी बेहतरीन ये स्टॉक है। अगला स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्री, काफी बेहतरीन ये स्टॉक। अगर मार्केट कैप की बात करें 1,18,000 करोड़ का मार्केट कैप है और डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.37% का डिविडेंड यील्ड है और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 70.1% का प्रमोटर्स होल्डिंग है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी की बात करें 0.06 डेट इक्विटी है, मतलब कंपनी के ऊपर काफी कम डेट, मात्र 331 करोड़ का डेट है जबकि रिजर्व 5,542 करोड़ का रिजर्व है
और नेट प्रॉफिट 1325 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है कंपनी का। तो देखते हैं हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी जबरदस्त है, तो इस कंपनी में भी आप हर गिरावट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट का, तो इस शेयर प्राइस के चार्ट में तो कहीं वीकनेस दिखेगा ही नहीं। देखिए कंपनी का चार्ट काफी सॉलिड है, यहाँ देखिए जब भी गिरावट होता है तो एक अपॉर्चुनिटी होता है इस स्टॉक में एंटर करने का। तो जब भी गिरावट हो, जिस प्राइस पे ये स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आता है, जहां पे सपोर्ट बनाता है वहीं पे आप इसको बाय करते हैं। फिलहाल इसका 2200 इसका सपोर्ट प्राइस है, तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके आपको देगा। अगला स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। मार्केट कैप की बात करें 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड की बात करें 0.21% का डिविडेंड यील्ड है। और बात करें कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग का, 70.9% प्रमोटर्स होल्डिंग है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.07 का है और कंपनी के ऊपर मात्र 115 करोड़ का डेट है, जबकि रिजर्व की बात करें 1548 करोड़ का रिजर्व है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी जो है काफी सॉलिड दिख रही है। और अगर बात करें कंपनी के चार्ट का, तो शेयर प्राइस का चार्ट भी काफी बेहतरीन है। और यहाँ पर कंपनी जो है चार्ट तो काफी बुलिश है ही, यहाँ पर सपोर्ट है 1130 रुपीज का, 1130 रुपीज के आसपास जब भी ये स्टॉक आता है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से ये स्टॉक काफी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके आपको देगा। अगला स्टॉक है IRCTC, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। अगर बात करें मार्केट कैप का, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है और डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.44% का डिविडेंड यील्ड है। और बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का, 67.4% का प्रमोटर्स होल्डिंग है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और डेट टू इक्विटी की बात करें बिल्कुल जीरो है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, बिल्कुल कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। और बात करें रिजर्व का, 1307 करोड़ का रिजर्व है कंपनी का और नेट एनुअल प्रॉफिट जो कंपनी का 297 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है, तो ये भी कंपनी काफी जबरदस्त है। और जैसा कंपनी बिल्कुल वर्चुअली डेट फ्री, और इस कंपनी का काम क्या है, तो ये कंपनी इंडियन रेलवे में कैटरिंग सर्विस, ई टिकटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। और चार्ट की बात करें तो चार्ट तो काफी सॉलिड है। देखिए चार्ट पे कंपनी का जो शेयर प्राइस का चार्ट है वो काफी सॉलिड दिख रहा है, तो हर गिरावट में आप बाय कर सकते हैं। जो भी गिरावट पे ये स्टॉक आपको मिल जाए उस गिरावट पे बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए बस होल्ड कीजिए, आपको निश्चित रूप से काफी बेहतर रिटर्न मिलेगा। अगला स्टॉक है एशियन पेंट, पेंट सेक्टर की लीडिंग स्टॉक, मतलब लीडिंग कंपनी और काफी बेहतरीन कंपनी के बिजनेस के बारे में तो कुछ खास बात करना ही नहीं, क्योंकि जो भी स्टॉक आपको बता रहे हैं निश्चित रूप से अपने बिजनेस में मोनोपोली रखता है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडवांटेज रखता है अपने कंपटीटर से। और इसका मार्केट कैप की बात है 3,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड की बात करें 0.53% का डिविडेंड यील्ड है। और बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का, 52.8% का प्रमोटर्स होल्डिंग है और कोई भी शेयर प्लीज की बात करें तो 9% शेयर प्लीज है, लेकिन कोई खास कंसर्न नहीं है क्योंकि ये स्टॉक काफी बेहतरीन है और काफी बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पर 10% के आसपास प्लीज है, तो कोई खास दिक्कत नहीं है क्योंकि कंपनी काफी बड़ी है। तो ऐसे वेल एस्टेब्लिश कंपनियों के पास काफी ज्यादा लिक्विडिटी होती है, तो लिक्विडिटी कारण हमें इस 10% प्लेस से कोई खास कंसर्न नहीं रखना चाहिए। वहीं डेट इक्विटी की बात करें 0.09 डेट इक्विटी है, मतलब कंपनी के ऊपर काफी कम डेट है। और टोटल डेट की बात करें 1093 करोड़ का डेट है, जबकि कंपनी का रिजर्व जो है 12,000 करोड़ का है, तो काफी ज्यादा रिजर्व है कंपनी के पास। और नेट प्रॉफिट की बात है 3,489 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का, तो इस पैरामीटर्स पे भी कंपनी काफी जबरदस्त दिख रही है। और वहीं बात करें शेयर प्राइस के चार्ट का, तो शेयर प्राइस का जो चार्ट है वो भी काफी जबरदस्त है। और यहाँ पर बात करें जो काफी जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, तो ये स्टॉक यहाँ पर अगर रिटेस्ट करता है ब्रेकआउट को जो कि है 3,180 रुपीज के आसपास, तो आप यहाँ पर इसमें एंट्री ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, निश्चित रूप से काफी जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है टाइटन लिमिटेड, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक और कंपनी का जो प्रोडक्ट है काफी बेहतरीन है। और कंपनी ज्वेलरी सेक्टर की काफी बेहतरीन कंपनी है, ज्वेलरी सेक्टर के साथ साथ कई सारे और भी प्रोडक्ट है, ज्वेलरी के साथ साथ और भी कई सारे प्रोडक्ट है जो जिसमें कंपनी मार्केट को लीड करती है। अगर बात करें मार्केट कैप का, 1,79,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड की बात करें 0.20% का डिविडेंड यील्ड है। और बात करें प्रमोटर होल्डिंग, 52.9% का प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी शेयर प्लीज नहीं है, प्लीज परसेंटेज भी जीरो है। और डेट इक्विटी
मात्र 0.57 का है और टोटल डेट की बात करें 5638 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर कुल, जबकि रिजर्व 7408 करोड़ का रिजर्व है कंपनी का। और नेट एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो 1284 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी सॉलिड दिख रही है, तो आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से काफी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके ये स्टॉक्स देगा। अब बात करें कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट का, तो देखिए चार्ट काफी सॉलिड रहा है, हर गिरावट में आप बाय कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर काफी जबरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट देखने मिला है। अभी ये शेयर प्राइस के चार्ट की बात करें, शेयर प्राइस का चार्ट काफी सॉलिड रहा है, तो कोई भी यहाँ पर गिरावट जो होता है एक अपॉर्चुनिटी होगा आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तो चार्ट ये सारे स्टॉक जो होते हैं, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, सेक्टर लीडर है, कंपनी बिजनेस में भी लीड करती है, तो निश्चित रूप से आप इसको हर गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है बजाज ऑटो। ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक, अगर मार्केट कैप की बात करें 1,08,000 करोड़ का मार्केट कैप है और डिविडेंड यील्ड की बात करें 3.73% का डिविडेंड यील्ड है। तो देखिए डिविडेंड यील्ड कितना शानदार है और स्टॉक अभी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग 53.7%, प्लीज परसेंटेज की बात करें 0.01%, मतलब निगलिजिबल प्लीज परसेंटेज है, मतलब कोई भी शेयर एक तरह से प्लीज नहीं है। डेट इक्विटी बिल्कुल जीरो है। टोटल डेट की बात करें 121 करोड़ का टोटल डेट है, जो कि एक तरह से वर्चुअली डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं। और रिजर्व की बात करें 26,000 करोड़ का रिजर्व है, तो रिजल्ट भी अच्छा खासा है कंपनी के ऊपर। और बात करें कंपनी के शेयर प्राइस का चार्ट का, तो शेयर प्राइस के चार्ट पे भी कंपनी काफी सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट पे ये शेयर आपको मिल रहा है। देखिए थोड़ा सा ये शेयर जो है वोलेटाइल है, मतलब आपको गिरावट आएगा, शेयर में फिर से ये रिकवर आएगा। लेकिन अगर बात करें ऑटो इंडस्ट्री काफी दिनों से अंडर परफॉर्म रहा था, लेकिन ये स्टॉक परफॉर्म किया है। देखिए 2017-18 में भी इस स्टॉक में कुछ खास गिरावट नहीं हुआ, सिर्फ साइडवेज रहा ये स्टॉक। तो इतना सॉलिड ये स्टॉक है कि कोई भी पैंडेमिक आ जाए इस स्टॉक पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ ही साथ ये ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर की वर्ल्ड की तीसरी सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, तो निश्चित रूप से आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। ये सारे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल भी रखेगा, साथ साथ आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ भी लाएगा। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म के लिए आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।